फ्रेंड्स, अगर आपके पास वीवो का कोई भी हैंडसेट है और उस हैंडसेट में आप जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड और साथ में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट भी लगा करके आप भूल गए हैं, आप बहुत परेशानी में आ चुके हैं। जी हाँ, आप सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो आपका काम नहीं हो रहा, आप या तो लोकल दुकान में जा रहे हैं तो आपका वहाँ भी काम नहीं हो रहा है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप जो वीडियो को क्लिक किए हैं ये बहुत 100% सटीक वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अपने फ़ोन में ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा तो आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा। देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक वीवो का हैंडसेट है जो यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है। हो सके आप अपने फ़ोन में 4 डिजिट का पासवर्ड लगाए होंगे, या तो 8 डिजिट का, या तो पैटर्न, या तो फिंगरप्रिंट, या तो फेस लॉक, किसी भी तरह का आप लॉक लगाए हैं अपने फ़ोन में। इस ट्रिक से आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा को डिलीट किए। जी हाँ, देखिए, अगर इसी काम के लिए आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो शायद आप जानते होंगे कि सर्विस सेंटर में 2 दिन या तो 1 दिन मिनिमम 1 डे मोबाइल को छोड़ना होता है और कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। जैसे कि जितना सर्विस सेंटर वाला बोलेगा कि आपका फ़ोन का 300 रुपया चार्ज लगेगा तो आपको वहाँ पर देना होगा। फिलहाल यहाँ पे जो हम बताने वाले ट्रिक ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं है, 300 रुपया तो दूर की बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ कि वो ऐसा क्या ट्रिक है कि आपका वीवो का हैंडसेट चुटकियों में अनलॉक हो जाए। आप घर बैठे कहीं भी आप इस ट्रिक को कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, लॉक वाला फेस पे जाइएगा तो एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल। आपको चुपचाप इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज। फ्रेंड्स, ये पेज पे क्या है, एक कोड बताऊंगा, *#7403*789*456 और लास्ट में 999 है और लास्ट में *#। ये कोड है, इसको बोलते हैं डिजिटल कोड। इस कोड पे आपको इस तरह से कॉल करना होगा। ओके, जैसे ही कॉल कीजिएगा ओके आएगा, ओके कर देना, 1 2 3 4 5 बार इस तरह से कॉल कीजिएगा। अगर आप पहले बार कॉल कीजिए तो हो सके ये वाला डिजिटल कोड हट जाए, तो आप अगेन यानी कि रिपीट इसी तरह से सेम डिजिट डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में हट जाता है, इसलिए मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, अब इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। एक फाइनल कोड है जिसको बोलते हैं मास्टर अनलॉकिंग कोड, ये रहा हैज, और यहाँ पे देखिएगा आपका इंजीनियर मोड में चला जाएगा आपका वीवो का हैंडसेट। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन हो, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, रियलमी, पोको, MI, कोई भी फ़ोन हो, दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन, तो हमारी टीम के पास सारे स्मार्टफोन का ट्रिक अवेलेबल है। उस कंडीशन में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि सर हमारे पास ओप्पो का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, MI का फ़ोन हो, तो हमारी टीम में से कोई भी एम्प्लॉय आपके हैंडसेट के अकॉर्डिंग 100% सोल्यूशन शेयर कर देगी। फिलहाल यहाँ पे देख के काम की बात करते हैं। जब इंजीनियर मोड नाम का पेज ओपन हो जाएगा आपके हैंडसेट में, तो आपको सर्च करना है आप इस पेज पे मैनुअल टेस्ट। जब मैनुअल टेस्ट मिल जाए तो इसको इस तरह से क्लिक कीजिएगा जैसे मैंने किया, और सेकंड पेज पे चल जाना है डिवाइस डबिंग पे। डिवाइस डबिंग पे जाने के बाद आपको चल जाना है, ये देख रहे जायरोस्कोप, ये जायरोस्कोप पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो हैंडसेट यहाँ पे टेस्टिंग होगा पहले, और टेस्टिंग के बाद फेल होता है या पास होता है। तो ये देखिए हम क्लिक करें यहाँ पे और देखिए टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग के बाद यहाँ पे पास हो गया है। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए और आप सभी के लिए। तो अगर आपके पास जो फ़ोन है, आप ये ट्रिक जो फॉलो किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि पास है या फेल है। फिलहाल मेरा हैंडसेट यहाँ पे पास है। जैसे ही आपको पास मिल जाए, इसको यहाँ से बैक कीजिएगा। इसको बैक करने के बाद अब आपको चल जाना है जायरोस्कोप न्यूज डाटा, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा आपके फ़ोन में स्टार्ट है या स्टॉप है। अगर स्टॉप रहेगा तो कोई तो डायरेक्ट बैक हो जाइएगा, लेकिन हमारे फ़ोन में स्टार्ट है, यहाँ पर स्टार्ट करके यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो जाएगा, देख रहे सेंटेंस चेंज हो गया है। अब यहाँ से बैक करेंगे, इस पेज से बैक करेंगे, इस पेज से बैक करने के बाद लास्ट में एक अदर नाम का पेज मिलेगा जो इस तरह से 2 4 5 देख रहे 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है डाटाबेस वर्जन, देख रहे आपको लास्ट में देखना है इस तरह से। अगर 4 टाइम्स 0 रहेगा, 4 टाइम्स 0 तो आपको 1 2 3 4
फोर बार यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक बार गूगल की चेक करना है कि आपके फ़ोन में जो गूगल की है वो पास है या फेल है। जब गूगल की पास हो जाए तो इस पेज से बैक हो जाना है और फिर से चल जाना है डिवाइस डबिंग वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे करना यह है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसको क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे दो तरह के सेंसर है देख रहे लाइव, एक जायरोस्कोप एक एक्सेलेरोमीटर, ये दोनों को क्लिक करना है, सेंसर को ओपन करना है। इस तरह से मैंने क्लिक किया है और कोई ग्रीन कलर में इस तरह से टेस्ट पास करके आ जाएगा। और दोनों देखिएगा, दोनों में से कौन टेस्ट पास करके आया, तो दोनों में से कोई एक मेरा है जायरोस्कोप, ऊपर वाला मेरा पास हो गया जायरोस्कोप। इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद सेंसर देख रहे सेंसर ऑफसेट टेस्ट, इसको क्लिक कीजिएगा और ये इतना सारा सेंसर मिलेगा। इसमें आपको सर्च करना होगा कि जायरोस्कोप कहाँ पे है, तो जायरोस्कोप आपका देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे जायरोस्कोप सेकेंड नंबर पे देख रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जायरोस्कोप मिल गया, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 बार टाइप करना है। अब यहाँ से क्रॉस चेक करना है कि हमारा जो हमारे हाथ में हैंडसेट है वो अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, देखिए होम मेनू बटन को प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने इसी वीडियो में, देख रहे फ्रेंड्स ये फ़ोन अनलॉक हो गया, देख रहे हैं ये फ़ोन अनलॉक हो गया विदाउट डाटा लॉस। देख रहे हैं एक भी डाटा इसमें लॉस नहीं है, सारा डाटा इसमें अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अभी ट्राई कीजिए, आपका 100% अनलॉक हो जाएगा।